दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि अपने आप में एक काफी अच्छा और बहुत ही ज्यादा ओहदा मिसाल रखने वाला इंसान है। शायद आप लोग भी उनका नाम सुने होंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको आज धनंजय वाई चंद्रचूड़ जी के बारे में बताने वाला, जो कि अभी भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। तो दोस्तों मैं आज आपको उनके बारे में बताने वाला, आज उनके बारे में बात करने वाला। तो दोस्तों उनके बारे में मैं क्या बात करने वाला हूँ, चलिए बातों की जो सिलसिला है उसको करते हैं शुरुआत। तो दोस्तों अभी जैसे उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना, उसके पहले की भारत और उसके बाद की भारत में आप जरूर अंतर देखते होंगे कि उनके आने के पहले की भारत क्या थी और उनके आने के बाद की भारत क्या है। उनके आने के पहले दोस्तों भारत की स्थिति क्या थी, उनके आने के बाद भारत की स्थिति क्या है। धनंजय वाई चंद्रचूड़ जी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जो अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, उनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। दोस्तों उनके आने से पहले भारत की जो लोकतंत्र थी उसकी नींव डगमगा चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि अब कुछ ही दिन, कुछ ही समय में अब भारत की जो लोकतंत्र है वो खत्म होने वाली है, ऐसा प्रतीत हो रहा था दोस्तों, ऐसा लग रहा था। लेकिन जब से धनंजय वाई चंद्रचूड़ जी ने आया, तो जैसे लग रहा था कि अब एक झटके में लोकतंत्र खत्म होने वाली है, वैसे ही अब ऐसा लगता है या ऐसा लगने लगा अब कि लोकतंत्र खत्म नहीं होगा। लोगों का ऐसा मनसा था कि लोकतंत्र खत्म करके किसी एक विशेष दिशा में जाने की सोच थी। लेकिन जब इन्होंने आया उसके बाद से स्थिति में परिवर्तन हुआ। एक से एक कानून, एक से एक व्यवस्था, एक से एक केस ऐसे उजागर करना जो कि पता न किसी दूसरे न्यायाधीश के अंदर था कि नहीं था, या दूसरे न्यायाधीश इसको नज़रअंदाज कर रहे थे या देख नहीं रहे थे, या इसको ऐसे ही छोड़ते जा रहे थे। इनके आने के बाद वो स्थिति मजबूत हुई दोस्तों। इनके आने के बाद चाहे कोई भी ऐसा केस हो, कोई भी ऐसा मैटर हो जो देश के लोकतंत्र के खिलाफ टकरा रहा हो, उसके साथ कंप्रोमाइज नहीं है, उसके साथ किसी भी तरह का कोई एक ऐसे दिशा में जाना कि देश के खिलाफ हो, इन्होंने ऐसा कभी कुछ नहीं किया। और ये एक अच्छा, हर जगह अच्छा एक मिसाल देते गए और अभी भी दे रहे हैं दोस्तों। ब्रिजभूषण जी के ऊपर जो केस था, जो मैटर चल रहा था, बहुत दिनों से नज़रअंदाज किया गया, उनके ऊपर FIR तक नहीं हुआ, पुलिस केस भी नहीं हुआ। लेकिन इनके आने के बाद दोस्तों एक ऐसा समय आया कि उनके ऊपर FIR भी लिखा गया, उनके ऊपर केस भी लिखा गया। आखिर पहले वाले न्यायाधीश थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो क्या कर रहे थे? क्या उनकी ये दायित्व नहीं थी कि इस तरह के जब ब्रिजभूषण सिंह के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाए, जब उनके खिलाफ
कोई मामला दर्ज होने वाला है तो फिर आखिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पहले वाले ने ऐसा क्यों नहीं किया? हो सकता है उन्होंने किया होगा या करने की कोशिश की होगी, शायद उनको दबा भी दिया गया होगा, ये भी मामला हो सकता है। लेकिन चंद्रचूड़ जी ने जो दोस्तों जब से इन्होंने मुख्य न्यायाधीश के कुर्सी पर आया है तब से एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं। जैसा कि अभी फिलहाल एक फिल्म जो आई है द केरला स्टोरी, उस पर भी देख लीजिए, उसकी भी जांच पड़ताल ऐसे चल रही है जैसे एकदम बारीकी से जांच पड़ताल चल रही है। अभी अभी उन्होंने कहा है कि इस फिल्म को देखा जाएगा, उसके बाद जो कुछ भी है निर्णय लिया जाएगा। फिल्म के देखने के बाद उन्होंने खुद कहा कि मैं इस फिल्म को खुद देखूंगा, उसके बाद जो कुछ भी निर्णय लेना होगा वो लिया जाएगा। हालांकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस फिल्म को बैन करने की या बंद करने की मांग कर रहे हैं या इस फिल्म को रोकने की मांग कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ये सोच विचार, उनकी ईमानदारी, उन्होंने कहा कि मैं इस फिल्म को देखूंगा, देखने के बाद इस फिल्म में क्या ऐसी चीज़ है जो समाज के अंदर तनाव पैदा करेगी, समाज के अंदर बुराई पैदा करेगी। तो दोस्तों उसके बाद एक ऐसे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया धनंजय वाई चंद्रचूड़ जी, क्योंकि किसी के कहे और किसी के समझाए अनुसार नहीं चलते हैं। वो अपनी मर्जी से जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है, जो भारत का संविधान बोलता है, जो भारत का कानून बोलता है, उसके हिसाब से चलते हैं वो, उसके हिसाब से उन्होंने अभी तक चला है। तो ठीक है दोस्तों, फिर आज के लिए ये वीडियो इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।